फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी, इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर बाकी। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने अल्प प्रवास पर सतना आए और पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जनता ने तय कर लिया है कि भाजपा की विदाई करना है, इनके पास अब जनता नहीं है, क्योंकि इनके पास बचा कुछ नहीं है, इनके पास जनता नहीं है। आज मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने तय कर लिया कि इनको विदा करना है और इनको ये बात अब एहसास होने लगी। कमलनाथ की इस तरीके की बात में दम इसलिए भी दिखाई देता है कि पिछला 2018 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर हार चुकी थी। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया दल बदल नहीं करते तो प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं होती, बल्कि विपक्ष की भूमिका अदा कर रही होती। लेकिन जिस तरीके से दल बदल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने फिर से प्रदेश में एक बार सरकार बनाई, शासन किया, यदि 2018 के चुनाव परिणाम पर नज़र डालें तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता में नाराजगी है, या उसे दूसरे शब्दों में एंटी इनकम्बेंसी भी कह सकते हैं। फिर भी जनता तो जनार्दन है, उसका मूड कब कहां कैसे पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। चुनावी तैयारी के मामले में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अधिकांश टिकट घोषित करके चुनावी प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस से आगे दिखाई पड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी चाक चौबंद रखी हुई है। जल्द ही पितृपक्ष के बाद कांग्रेस भी अपनी सूची जारी करेगी, ऐसा कमलनाथ का कहना है। चुनावी मुकाबले के संबंध में जब तक कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची न जारी हो जाए उसके पहले कुछ कहना जरा जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस 2018 की तुलना में 2023 में कुछ मुस्तैद ढंग से भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ेगी। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.visalkhabar.com, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram पर लॉगिन कर सकते हैं। यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।